अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहान है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इंटरनेट के ऊपर बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और कैसे काम करता है। और आपने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, कोई कहता है ब्रॉडबैंड, कोई कहता है केबल इंटरनेट, कोई कहता है नैरो बैंड। तो ये होता क्या है, कोई कहता है DSL, तो इनमें फ़र्क क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। इंटरनेट बेसिकली एक मुरक्कब है बहुत सारे कंप्यूटर्स को का इकट्ठा करके जब लगाया गया और मुख्तलिफ लोगों ने एक दूसरे से डेटा शेयर करना शुरू किया, तो उसके मजमूए को हम इंटरनेट कहते हैं, यानी आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक मजमूआ, इंटरनेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इंटरनेट के ऊपर अब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं पिछले 15 साल में। इंटरनेट की जो उम्र है, जो कमर्शियल उम्र है, वो तकरीबन 15 साल है। और अब इस पर काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ आ गई जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से जो बहुत शुरू से यहाँ, तो मैं भूल भी गया क्या था, रिवाइंड कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान है। आज हम इंटरनेट के ऊपर बात करेंगे कि इंटरनेट होता क्या है, कैसे काम करता है। और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हमने सुनी होती हैं, इंटरनेट भी लोग कहते हैं, DSL भी कहते हैं, केबल इंटरनेट भी कहते हैं, ई वीडियो भी कहते हैं, वायरलेस भी कहते हैं, GPRS भी कहते हैं। ये सब चीज़ें होती क्या हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है। बेसिकली इंटरनेट ऐसे नेटवर्क को कहते हैं जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप अपने दफ्तर में या घर में 2-3 कंप्यूटर्स को इकट्ठा करते हैं तो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और जब हम उन सारे कंप्यूटर्स को और बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इंटरनेटवर्क बन जाता है। इंटरनेट पे अब बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो बहुत कॉमनली सर्विस यूज़ होती हैं उनमें है ईमेल, सर्च, यानी कि आप डिफरेंट चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप अब तो इंटरनेट के थ्रू वीडियो भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, और टेलीफोन के जगह आप इंटरनेट से भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद ऐसे चीज़ें हैं जो इंटरनेट जिसकी चीज़ों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। DSL, GPRS, एज, 3G, EVDO, केबल इंटरनेट, ये बेसिकली मीन्स हैं डिफरेंट इंटरनेट को तक पहुंचने के लिए। आप टेलीफोन लाइन के थ्रू भी इंटरनेट पर जा सकते हैं, आप DSL लाइन के थ्रू भी इंटरनेट पर जा सकते हैं, आप ISDN लाइन के थ्रू भी इंटरनेट पर जा सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे GPRS या एज के थ्रू भी इंटरनेट पर जा सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे 3G के थ्रू भी इंटरनेट पर जा सकते हैं, आप EVDO के थ्रू भी इंटरनेट पर जा सकते हैं। ये सारे बेसिकली टर्मिनोलॉजीज़ हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की, जो कि एंड रिज़ल्ट इंटरनेट पर जाने के ही होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पाकिस्तान में यूज़ होता है वो डायलअप के थ्रू होता है, यानी आप टेलीफोन की लाइन जो आपके घर में मौजूद है उसको लगाकर आप एक लोकल इंटरनेट फ़ोन इंटरनेट कंपनी पे कनेक्ट करते हैं और उससे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब पाकिस्तान में इंटरनेट एब्सोल्युटली फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं देने होते। PTCL आपको लोकल टेलीफोन नंबर्स के ऊपर कनेक्शन के कोई पैसे चार्ज नहीं करती, एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करती है इंटरनेट, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। और जितना चाहे आप इस्तेमाल करें। जहन में रखें कि आज से 15 साल पहले 250 रुपये घंटा चार्ज होता था इंटरनेट, तो आज इंटरनेट फ्री हो गया है। आपको चाहिए कि उसको इस्तेमाल डेफिनेटली करें, उसको एक्सप्लोर करें कि आप उससे अपने बिज़नेस के अंदर या अपनी एजुकेशन के अंदर या अपने पर्सनालिटी के अंदर उसके ज़रिए क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। इंटरनेट बहुत बड़ी नेमत है हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे मुल्कों के लिए, क्योंकि हम ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है दुनिया में कि हम बराबरी के सतह पर पहुंच गए हैं किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड के साथ। यानी कि जो आदमी अमेरिका में रहता है, अब बहुत महंगे घर किराया भी देता है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट भी यूज़ करता है उसमें, और एक आदमी जो कि पाकिस्तान में रहता है, एक छोटे शहर में रहता है, और वो PTCL का या किसी और कंपनी का हाई स्पीड इंटरनेट या DSL यूज़ करता है, तो उसमें और उस आदमी में जो अमेरिका में रहता है कोई फ़र्क नहीं है, टेक्नोलॉजिकली कोई फ़र्क नहीं है। तो अब अपॉर्चुनिटी पैदा हुई इस चीज़ से कि भाई आप वही जॉब कर सकते हैं जो कि आदमी अमेरिका में रहता है, वही जॉब आप पाकिस्तान में बैठ के भी कर सकते हैं।
इसकी वजह से बहुत सारे लोग वापस रिवर्स माइग्रेशन हुआ है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग मुझ समेत पाकिस्तान वापस आए हैं जो कि अमेरिका में रहना पसंद नहीं करते अपनी वालदैन की वजह से, अपने कल्चर की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, और वो यहाँ रहकर पाकिस्तान में रहकर अपने कारोबार को उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से वो अमेरिका में रहते हुए या इंग्लैंड में रहते हुए करते थे। उसके अलावा इसकी वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा हुई हैं कि आप एक पर्सनल असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं एक आदमी के लिए जो कि इंग्लैंड में रहता है। इंग्लैंड के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी होती है 2000 पाउंड, 2000 पाउंड 2.5 लाख रुपये महीना बनते हैं। वही जॉब अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप वो जॉब करते हैं तो आपको मुश्किल से 10 से 12 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन आप पर्सनल असिस्टेंट की जॉब अगर किसी के लिए इंग्लैंड के आदमी के लिए करेंगे तो वो आपको खुशी खुशी 400-500 पाउंड देगा, और 400-500 पाउंड आपके लिए 75,000 रुपये महीना बन जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जॉब को कैसे सर्च कर सकते हैं वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंटरनेट के ऊपर जो सबसे अच्छा आपका दोस्त है वो है दो वेबसाइट जो मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा, एक गूगल और एक याहू। दोनों की वेबसाइट है, एक google.com दूसरा yahoo.com। आपके जहन में कोई सवाल है मिसाल के तौर पे मैं अमेरिका में कैसे जॉब कर सकता हूँ, या मैं पाकिस्तान में कैसे जॉब अच्छी कर सकता हूँ, या मैं यूके में जॉब कैसे कर सकता हूँ, आप इस सवाल को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें, हाउ कैन आई फाइंड अ जॉब इन द यूके, हाउ कैन आई फाइंड अ जॉब इन द US, सिंपल लिखें, एंटर दबाएँ, आपके सामने बेशुमार वेबसाइट्स आएंगी जिसके ज़रिए आप ऐसी जॉब्स तलाश कर सकते हैं जो कि आप पाकिस्तान में रहते हुए बाहर मुल्क की कर रहे होते हैं। सैलरी आपको बाहर से आती है तो आप मुल्क के लिए एक्सपोर्ट भी करते हैं, अपने ज़िंदगी के अंदर अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं, और जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप एक हायर सैलरी कमाते हैं तो आपके सराउंडिंग को ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है, और आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा। तो ये कुछ फ़वाद हैं इंटरनेट को हासिल करने के लिए। याद रखिए इंटरनेट एक नेमत है जो कि हमारे जैसे मुल्क को मिली है, और इससे हम अगर फ़ायदा ना उठाएं तो ये मेरे नज़दीक तो नाशुक्री होगी अल्लाह ताला की। तो हमें डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, एक नेमत से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वजाहत करूँ कि EVDO एक टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से DSL एक टेक्नोलॉजी है। DSL आपकी जो कॉपर फ़ोन लाइन होती है घर की PTCL की, उसके थ्रू इंटरनेट आता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ना कि डायल अप इंटरनेट की। यानी कि अगर आप फिजिकली एक गाना डाउनलोड करते हैं आप, तो एक गाना DSL के थ्रू 10 सेकंड में आएगा या 20 सेकंड में आएगा, वही गाना अगर आप डायल अप पे करेंगे तो 6 घंटे में आएगा, इतना फ़र्क है। प्राइस डायल अप बिल्कुल फ्री है, और DSL जो है तकरीबन 1200 रुपये, 800 रुपये से 1200 रुपये महीने में आपको PTCL प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ आप अपने मोबाइल के थ्रू भी चला सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर कोई भी कलर स्क्रीन वाला मोबाइल है, तो आपको कंप्यूटर अगर नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए वो सारे काम कर सकते हैं जो कि आप एक डेस्कटॉप के ज़रिए कर सकते हैं या कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं। और मोबाइल का इंटरनेट उससे भी सस्ता है, 400 रुपये महीने में अनलिमिटेड इंटरनेट आपको मोबाइल पर मिल जाता है, जिसकी स्पीड उस डायल अप इंटरनेट या फ़ोन लाइन से चलने वाले इंटरनेट से भी ज़्यादा होती है। और तमाम के तमाम जो पाकिस्तान में मौजूद मोबाइल कंपनीज हैं वो ये प्रोवाइड करती हैं। मोबाइल के ऊपर अगर आपको चलाना नहीं आता तो मैं कहूँगा कि अपने किसी करीबी दोस्त को कहें कि वह आपको चलाना सिखा दे, नहीं तो बहुत आसान है, आप खुद ट्राई कीजिए या किसी दुकान वाले से कहें आपको ट्राई करें कि भाई मुझे सर्च करना सिखा दो, मुझे ईमेल करना सिखा दो अपने मोबाइल से। याद रखिए कि हल्के से हल्का यानी कि 3000 रुपये वाले मोबाइल से भी आप ईमेल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर लें इंटरनेट चलाने के लिए। तो बेसिक इंटरनेट बहुत आराम से आप चला सकते हैं, हर मोबाइल से चला सकते हैं, हर कंप्यूटर से चला सकते हैं, और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। केबल इंटरनेट और DSL में क्या फ़र्क है? केबल इंटरनेट के लिए एक अलहदा तार डलती है, जिस तरह केबल TV आपके घर पर आता है उसी तरीके से आप केबल इंटरनेट के जरिए केबल TV वाली वायर के ज़रिए एक ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। इस इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस तरह से DSL की ज़्यादा होती है। और एज जैसे मैंने या GPRS का मैंने बताया कि मोबाइल के ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जो थर्ड तरीका था वो है डायल अप के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, और अब कुछ शहरों में EVDO
के नाम से एक टेक्नोलॉजी नई आई है जो कि वायरलेस होती है, उसके ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा सा कंक्लूजन है, लुब्बे लबाब है इंटरनेट का, थोड़ा बहुत जो मुझे कम वक्त में मैं बता सका। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर अभी तक इंटरनेट यूज़ नहीं करते तो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करेंगे, कम से कम अपने लिए ईमेल एड्रेस ज़रूर बनाएंगे, और फिर जब आप ईमेल बनाएं तो ईमेल हमें ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।